बहुत सारे टीएमसी के बड़े बड़े नाम, शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम, वो टूटकर आपके पास आते हैं, बीजेपी से अपनी जीत मानती है। लेकिन शिशिर जी, कहीं ना कहीं जितने भी नेता आए हैं, बड़े नेता, वो दागी हैं, कहीं ना कहीं उन पर कुछ ना कुछ आरोप है। ऐसे में आपका बीजेपी का जो जमीनी जो काडर आपने बनाया था, कार्यकर्ता है, उसमें असंतोष दिखाई दे रहा है, कहीं ये आपको नुकसान ना हो जाए। नहीं, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बोलूं कि जहां तक जिसके ऊपर यदि कोई आरोप है तो वो एजेंसीज के सामने अपना आरोप से उसको वो वही साबित करेगा कि वो आरोप उसके ऊपर ठहरता है या नहीं। जहां तक हम लोग को पता वो आरोप शायद नहीं ठहरे। मगर जहां तक आप ये बात बोल रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं में, देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ताओं में हाँ कुछ बहुत कम कार्यकर्ताओं में जरूर एक है कि हमको क्या हो रहा है, बट बिल्कुल हमारे यहाँ कोई ऐसा चीज है नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रृंखलाबद्ध पार्टी है। ये टीएमसी नहीं है कि यदि टिकट नहीं मिला तो उसी दिन तोड़फोड़ कर लिए, टिकट नहीं मिला तो रास्ता रोक दिए, पूरा एक राजमार्ग रोक दिए। लेकिन ये तो शिशिर जी टीएमसी के नेता है ना, ये तो आपके साथ भी कर सकते हैं। कल को इनकी महत्वाकांक्षा अगर पूरी नहीं होती है तो वो आपके साथ भी यही सब कर सकते हैं। खैर, एक रिएक्शन हो गया आपका, मानव जी। देखिए ऐसा है जी, मैं सर, 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 और भी बोल दूं। हाँ प्लीज। ये है, आप जिस घर में रहते हैं वहां का क्या तौर तरीका, आप उसके हिसाब से रहते हैं। ठीक है, आपके आपके अभिभावक तर्क अच्छा है सर, आपका अभिभावक संभाल लेता है बच्चों को। ठीक है मानव जी, आज बीजेपी की जबरदस्त धमक दिखाई दे रही है, आपके बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, भले ही आप ये कहें कि भाई फिर से बीजेपी से वो हमारे पास आ रहे हैं, वो बात की बात ही देखी जाएगी। लेकिन मानव जी, कहीं ना कहीं आत्म मंथन आप लोग करते हैं कि बीजेपी को बंगाल में अपनी जगह बनाने और बंगाल में जमीन देने, यानी कि मजबूती से खड़े होने के लिए क्या टीएमसी ही जिम्मेदार नहीं है? क्या टीएमसी पर के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, बंगाल में खून खराबा, बंगाल में विकास की धीमी गति? सर 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 सर, मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। सही साहब, बहरहाल जो सबसे अच्छी बात आपने इनको बोली कि इनके पास खुद के नेता नहीं है, ये तो वास्तविक रूप से सबके सामने दिख रहा है, एकदम वास्तविक है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि भाई बात संचालक सर नहीं कर रहे, आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक टीएमसी का सवाल है, हम लोग तो वैसे काफी मजबूत है सर, दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि 8-8 फेज में इलेक्शन कराया जा रहा है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3 फेज में इलेक्शन कराया जा रहा है। जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, जिन्होंने अपने कार्य का निर्वाह नहीं किया, हम लोगों ने उनको रास्ता दिखा दिया और उनको पता चल गया। मानव जी आप समझ नहीं पाए, हम सीधे सीधे ये जानना चाह रहे थे आपसे कि आपकी तो वो पार्टी है, आपकी तो वो नेता है जिन्होंने सिंगूर नंदीग्राम से एक बहुत बड़ा आंदोलन को लीड किया, आपकी तो वो पार्टी, आपकी तो वो नेता है मानव जी जिन्होंने लेफ्ट के बरसों के 35 साल के शासन को उखाड़ फेंका, इतना जबरदस्त भरोसा बंगाल की जनता ने आप लोगों पर किया, क्या वो कमी रह गई? थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर बताइए ना कि बीजेपी को आपने इतना मजबूती से वहां पर खड़ा कर दिया, लोकसभा में 18 सीटें ले आए, 2014 में मोदी की लहर थी, एक सेकेंड मानव जी 2014 में मोदी लहर थी देश भर में। संगीत रागी जी देखिए आएंगे सर आपके पास, ये सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता था लेकिन बीच में रेफरेंस दे रहा हूं, बस आप इसका जवाब दीजिएगा सर। 2014 में तो मोदी की लहर थी मानव जी, तब भी आप बंगाल में बीजेपी को सीटें नहीं मिली, दो सीट हाँ नहीं मिली ना, लेकिन 2019 में आपने ऐसी क्या गलतियां कर दी कि 18 सीटें ले गई और उसके बाद आप और आक्रामकता से बीजेपी नजर आती है? मानव जी बताइए सर, असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में तो फर्क है सर, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देश को कोई चेहरा नहीं था, कांग्रेस एकदम गिरी पड़ी सरकार थी उनकी वहां पे, और हमारे यहाँ नेत्री है बहुत बड़ी है, इनके पास कौन सा चेहरा है मुख्यमंत्री को? नहीं है,
हमारे नेत्री ने काम किया है। और सर 2011 में जब हमारी सरकार बनी थी तो वो ममता बनर्जी के कंधे पर चढ़ के वो सरकार बनी थी, और इसी में किसी के इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा के पीछे कोई उड़ाना नहीं था। हमने बंगाल को नया दिशा दिखाने के लिए हमारी नेत्री ने सरकार बनाया था, और जो अंधकार में बंगाल 35 वर्षों से थी उसमें सूर्योदय किया है, और जो लोग सर चले गए हैं जिसमें आप बहुत बड़े नाम मौका दिया ना आपने आने का महत्वाकांक्षी है सर, बीजेपी से बड़ा महत्वाकांक्षी पार्टी कोई है क्या? इनकी तो डबल इंजन सरकार चलती है सर। बुराई महत्वाकांक्षा में आप महत्वाकांक्षी नहीं है, आप महत्वाकांक्षी नहीं, बंगाल के विकास के लिए देश के विकास के राजनीतिक दलों को तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर विकास करना चाहिए। आ रहा हूँ संगीत सर, आ रहा हूँ आपके पास। और पैर पे चोटिल है फिर भी वो लड़ रहे हैं, इससे आपको क्या प्रमाण हो रहा है सर? ये तो प्रमाणित है कि उन्होंने कन्या से लेकर हर वो योगदान दिया है इस प्रांत को जिसकी महिलाओं को जरूरत है। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को बोलूंगा ये सारे आप भी अपने अपने प्रांतों में चलाएं, शायद आपको आशीर्वाद तो मिल जाएगा। मानव जी हमने बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछा कि क्या गलती ऐसी आपसे टीएमसी से ममता बनर्जी से हुई कि बीजेपी ने बंगाल में अपने पैर जमा लिए।